आगरा नगर निगम इंदौर से तरक्की का पाठ सीख रहा है। उसने आगरा में वाहन चालकों को हीट वेव से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। सूर सदन के बाद हरिपर्वत सिग्नल पर भी ग्रीन नेट लगाकर दिल जीत लिया है। अब वह शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर छांव करने की तैयारी में है। हीट वेव से राहत देने के लिए एमजी रोड हरिपर्वत पर शुक्रवार को ग्रीन नेट लगाने के लिए बल्लियां लगाने का काम शुरू हो गया। इसके बाद हरिपर्वत चौराहे पर रेड सिग्नल पर खड़े दोपहिया वाहन चालकों को धूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इससे पहले नगर निगम ने इसकी शुरुआत सूर सदन चौराहे से की थी। सूर सदन चौराहे पर लगे ग्रीन नेट की लोगों ने काफी सराहना की। लोगों ने नगर निगम के इस अच्छे कार्य के लिए तारीफ की। इसी के चलते नगर निगम हरिपर्वत तिराहे पर ग्रीन नेट लगाकर दूसरा ट्रायल करने जा रहा है। ग्रीन नेट का जो कार्य चल रहा है वो आप देख ही रहे हो सामने, ये बांस बल्ली जो भी है अपने लग रही हैं, और इससे ये है कि पब्लिकों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, और ये नगर निगम की खैर अच्छी स्कीम है, और इससे यह है कि आज ये ट्रायल हो रहा है, अगर ये सक्सेस होता है तो आगे और भी चौराहे हैं उन पे भी लग सकता है। जी जी, अगर सक्सेस होते हैं तो आगे भी और भी लगेंगे। कर्मचारी ने बताया कि अलग अलग तिराहों पर टेंट वालों को ठेका दिया है। सूर सदन वाला ठेका किसी और का है, यहाँ पर विदा टेंट हाउस लगा रहा है। ग्रीन नेट का कार्य शनिवार को खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ भी लोग रेड सिग्नल पर ग्रीन नेट में आराम से खड़े हो सकेंगे। नगर निगम ग्रीन नेट लगा के लोगों को राहत दे रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल सही दिशा में है, हवा से ग्रीन नेट उड़ता है तो इसके लिए नगर निगम के कर्मचारियों को लगाया गया है। ग्रीन नेट लगाने से लोगों के बीच अच्छा संदेश गया है। सी न्यूज़ के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।